हाय दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज ना मैं एक ऐसे तेल का रिव्यू करने वाली हूं जो आपके कंजेपन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है आपके जो हेयर काउंट है ना उन्हें इंक्रीज़ कर सकता है आपके बाल घने बना सकता है आपके बालों की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकता है एंड नए बाल जो है उन्हें उनकी ग्रोथ में भी हेल्प कर सकता है बहुत ही यूजफुल है ये हेयर ऑयल और आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये हंड्रेड आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है तो चलिए आपके टाइम को ना खराब करके आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये है हेयर ऑयल नेचर श्योर का थुम्बा वंडर हेयर ऑयल तो so, इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है दोस्तों इस हेयर ऑयल में थुम्बा का इस्तेमाल किया गया अब आप, आप सुनोगे थुम्बा क्या है बिल्कुल नया वर्ड है आपको पता है थुम्बा एक फल है जो राजस्थान में पाया जाता है और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बालों की ग्रोथ के लिए हेयर फॉल को सॉल्व करने के लिए यानी बालों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए थुम्बा का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो हेयर ऑयल है इसमें भी थुम्बा का इस्तेमाल किया गया थुम्बा के अलावा और भी ऑयल का इस्तेमाल किया गया जो बालों के हेल्थ के लिए अच्छे हैं जैसे इसके अंदर आपको थुम्बा मिलेगा भिंगराज मिलेगा क्रांच मिल जाएगा आपको कपूर मिल जाएगा काचरी मिल जाएगी तिल ऑयल मिल जाएगा एंड मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल आपको मिल जाएगा यानी एक ऑयल के अंदर आपको कई ऑयल के गुण मिल जाएंगे दोस्तों आ, ये आपके यहाँ सबमिट किया गया कि ये बूस्ट करता है आपके हेयर ग्रोथ को हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है हेयर काउंट एंड लेंथ को इंक्रीज करता है साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड आपको बता दें इस हेयर ऑयल को बनाने में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है किसी भी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया जो हमारे बालों को नुकसान दे दोस्तों तो जैसे आप बाकी हेयर ऑयल यूज करते हैं ना बिल्कुल वैसे इसको यूज करना है यानी शैम्पू करने से पहले एक दिन पहले आप इसे अपने बालों पर लगाइए और अपने उंगलियों से 15 मिनट के लिए मसाज करें स्कैल्प की मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्कैल्प की ही आपको मसाज करनी है ताकि रूट से जड़ों से हमारे बालों को मजबूती मिले जड़ों से ही हमारे बालों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो मैं इस बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये हेयर ऑयल कैसा है तो आप अंदर से जब इसे ओपन करेंगे ना तो ये बिल्कुल लाइक आयुर्वेदिक जैसे हेयर ऑयल होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आपको लगेगा ग्रीन कलर का है ये एंड इसके ऊपर आपको ये टैग मिल जाएगा नेचर श्योर का इसे मैं निकालती हूँ एंड ये कैप है ठीक है लेकिन ये जो ऑयल है नहीं गिरेगा क्यों नहीं गिर रहा है मैं आपको बता दूँ इसके अंदर आपको एक कैप मिल जाएगा ये है सेफ्टी कैप इसको मैं रिमूव करूँगी उसके बाद फिर हमें ये कैप लगाना है ये जो छोटी सी चीज़ है ना बहुत ही काम की चीज़ है ये जब कैप लगा रहता है तो हमारा ऑयल गिरता नहीं हम सफर में से ले जा सकते हैं अगर एक कैप आपने फेंक दिया ना तो ऑयल गिरने का डर रहता है तो इसे हमेशा आपको संभाल के रखना है सब भी यूज़ करना है उसके बाद आपको इसमें लगा देना है एंड मैं आपको बताती हूँ इसकी जो महक है फिग्रेंस है वो कैसी है ओके okay. बिल्कुल आयुर्वेदिक वाली लाइट लाइट सी है और सबसे अच्छी बात जो आयुर्वेदिक ऑयल होते हैं वो थोड़ी चिप चिपे होते हैं ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है बहुत ही लाइट वेट है बिल्कुल भी चिपचिपा चिप नहीं है और आपको बता दें मैं पिछले कई दिनों से इसको यूज कर रही हूँ और ये जो हमारे बालों में ना बहुत ही कम मात्रा में लगता है मेरे बाल बहुत ही घने हैं और घने होने की वजह से मैं इसे ओपन करके वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है तो आ, मेरे बाल घने भी हैं और बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से हैं यानी ड्राई से हैं तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा लग है लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में आपको ऑयल लगेगा एंड एक कंटेनर के अंदर आपको 110 सौ एम एल प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है तीन सौ चालीस रुपए इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है अगर ऑनलाइन आप बाय करते हो उसे खरीदते हो तो ऑनलाइन आपको आप काफ़ी अच्छी छूट के साथ भी ये ऑयल मिल जाता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू नेचर शोर का थुम्बा वंडर हेयर ऑयल का दोस्तों अगर आप भी ये हेयर ऑयल ट्राई करना चाहते हो अपने हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो इसकी बाय लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो दोस्तों आई होप ये रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बगल में लगी घंटी बजा दो फिर हाल दोस्तों वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जय हिंद जय भारत